दोस्तों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड का काशी भिमांडेश्वर और आपको मैं दिखाऊंगा इस तीर्थ के दर्शन कराऊंगा। मेरे साथ है पवन भाई और हमारा एक छोटा सा भोलू साथ में है। और भोलू चलो, भोलू कह रहा है आ रहा हूँ करके, तो भोलू से कहते हैं। और भोलू कह रहा है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपको जो है उत्तराखंड के तीर्थों को दिखाऊंगा। हम लोग दिखाएंगे तीर्थों को दिखाएंगे और अन्य जो हमारे उत्तराखंड के मंदिर हैं उनकी भव्यता, सुंदरता और उनका ऐतिहासिक महत्व भी आपको बताएंगे। चलिए अब चलते हैं हम भिमांडेश्वर की ओर। यह मंदिर द्वाराहाट से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही भव्य और सुंदर है, पौराणिक मंदिर है। साहित्यकार राहुल सांकृत्यन जी ने इस मंदिर का निर्माण काल 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी मार्केट है, जो मार्केट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहीं से लोग प्रसाद लेते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की ओर। आप बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और ऐसे ही अन्य मंदिरों को, पौराणिक मंदिरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यह है राम मंदिर जो शिव मंदिर के पास पे ही है, और यह है राम मंदिर का मुख्य द्वार। सामने लिखा है श्री राम जानकी मंदिर। कहा जाता है जो यहाँ पर पूजा करता है वह साक्षात शिवलोक प्राप्त करता है, शिव जी को खुश करता है, प्रसन्न करता है। और ये राम मंदिर और शिव मंदिर के बीच में स्थित नंदनी नदी जो द्वाराहाट की ओर से प्रवाहित होती है, और इस तरफ है, ये है राम मंदिर और इसके समक्ष है शिव मंदिर। ये है भक्तों के बैठने का प्रांगण मंदिर के समक्ष, और ये है हमारा मुख्य शिव मंदिर का मुख्य द्वार। आप देख सकते हैं बहुत भव्य और सुंदर। चलिए आप बढ़ते हैं मंदिर की ओर। यहाँ की मान्यता है, शिव शक्ति का तब पता चला जब एक गाय रोजाना घास चरने के बाद झाड़ियों के बीच में स्थित शिवलिंग का रोज अपने दूध से अभिषेक करती थी, और दूध की कमी के कारण जब मालिक ने पीछा किया तो देखा कि वह एक शिवलिंग के ऊपर दूध का अपने आप जो है अभिषेक कर रही है। तो तभी से इसकी धार्मिक मान्यता बढ़ी और तभी से यहाँ पर पूजन शुरू हुआ भगवान भिमांडेश्वर के नाम से। यह है हनुमान जी की प्रतिमा। अब करते हैं मुख्य मंदिर में प्रवेश। यह है मुख्य गर्भगृह भगवान शिव का। यह हमारी गणेश जी की प्रतिमा बहुत पुरानी कलाकृतियों में बनी हुई है। और यह है हमारे महादेव। ओम शिवाय। शिवावकाशी शिवावकाशी। भगवान भिमांडेश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेण
यमामृतात् ॐ सारं भुजगं जहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानदं वा अपराधं वेतमविहितं वा सर्वमेतासमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हर 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 महादेव शंभो। कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। यह है मंदिर के अंदर का प्रांगण और ये सामने की ओर है राम मंदिर, नीचे नंदनी नदी और मंदिर प्रांगण में उपस्थित अन्य शक्तियाँ अलग अलग स्वरूप में विराजमान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। यहाँ पर ये बैलों का जोड़ा आपस में एक दूसरे को देखते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये एक गेट नुमा कमरा है और मैं इसको आपको बाहर से दिखाऊंगा और बहुत ही सुंदर स्वरूप है इसका। देख सकते हैं बहुत सुंदर। इसमें पूरी पुरानी कलाकृतियां दिखाई गई हैं। शिवाकाशी शिवाकाशी काशी शिव। यह है भीमांडेश्वर का सुंदर दृश्य। भोलू को पसंद आ गया। ये जो इसमें दो द्वारपाल दिखाए गए हैं और बीच में जो ये प्रतिमा है गणेश जी की प्रतिमा दिखाई गई है और पुरानी पूरे गांवों का दिखाए गए हैं इसमें जो है बिखोती में जब आने वाले थे बिखोती में और जब उसमें आते हैं क्या नाम कहते हैं होली पे होली में चतुर्दशी के दिन चौथी होली जिस दिन होती है तो इसमें हर गाँव के लोग जो है रुकने वाले थे। उनका सबका अपना बना था। यहाँ पर जैसे नौरी पैठानी लिखा है वहाँ गनोली लिखा है वहाँ पे विजयपुर है वहाँ सलना लिखा है यहाँ पर वो विजयपुर है उधर किरोल फाट है। सभी गांव के लिए अलग अलग जगह स्थान निर्धारित किया गया है। ये बसेरा लिखा हुआ है तो ये ग्राउंड में जो है पूरा अलग अलग लिखा है। यह है गौ माता मंदिर गौ घाट भीमांडेश्वर का। इसे कपिला घाट भी कहते हैं और सुरभी तट हुआ है। और ये सामने जो शिला है ये शिला जो है कपिला गाय के नाम से जो है जानी जाती है।
और जो ये जो नदी है ये सुरभि नदी के नाम से जानी जाती है। और सामने सामने जो आगे एक संगम है, ये संगम पे जो दूसरी नदी आती है उसका नाम है नंदिनी नदी। तो दोनों मिलकर यहाँ पर जो संगम है, ये संगम तट पे जो है भीमंडेश्वर जो है धाम का जो है आश्रम बना हुआ है। बाहर आगे जाके इसका नाम हो जाएगा। और ये बता रहे हैं कि जो आगे को जब हम नदी हम आगे को जाएगी गोद मिलन के बाद उसका नाम हो जाएगा रिस्कन। और जो आगे को जो नदी जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा रिस्कन। रिस्कन नदी के नाम से वो जानी जाएगी जो आगे जाके गगास नदी में जो है मिल जाती है पूरी। और ये जो इस नीचे को जो भी घाटी है नीचे को, ये घाटी रिस्कन घाटी के नाम से जानी जाती है। ये जो है मेन जो यहाँ का घाट है वो यहाँ पर है। पीछे जो है बाबा जी का समाधि स्थल बना हुआ है। बाबा जी का नाम जो है, क्या नाम है? बम बाबा जी। ये बाबा जी का नाम है श्री श्री 108 बाबा जी का नाम है। और बहुत सुंदर यहाँ जगह है, शांति है बिल्कुल पूरे क्षेत्र में मंदिर में। ये घाट पे हम लोग अभी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लोग कपिला कुंड में स्नान करने के बाद कपिला गाय का यहाँ पर पूजन करते हैं। भक्त यहाँ पर स्नान करने के बाद अपने पितरों का तर्पण इस तीर्थ पर करते हैं। नंदिनी और सुरभि के संगम स्थल को यहाँ पर ब्रह्म तीर्थ के समान माना जाता है। यह है राम जी का पावन दरबार और सुंदर दरबार यहाँ पर आप देख रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।